बेसिकली एक कहानी, मैं बहुत सारी कहानियाँ सुन रहा था, बहुत सारी कहानियाँ मतलब राइटर्स मेरे को आगे बता रहे थे, बट कैट लेडी वॉज समथिंग विच आई थॉट वुड वर्क इन द मार्केट बिकॉज द काइंड ऑफ मार्केट विच इज़ राइट नाउ वेर इन लॉट ऑफ सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ वर्क इज बींग यू नो सोल्ड एंड प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सो दैट स्टोरी एक्चुअली क्लिक्ड मी. सो दैट स्टोरी वॉज अबाउट ए सोल कलेक्टर who captures girls and you know use them as and when he's he wants them to be used. usi time pe he meets a girl jo basically usko overpower kar jati hai, overtake karke usko confront jab wo karta hai, then she actually overtakes that person. so that story was very interesting. that is why I thought of doing Cat Lady. Now in detail I would say that you can go on app Ullu app and watch the full feature film. We have been auditioning a lot of young talent. We wanted to you know do this film with young talents, so isliye humne bahut sare auditions kiye, meri team ne bahut mehnat ki iske liye, but finally we come across an artist called Angel Bhandari. I thought she would be the right person for this film, so we casted her along with Angel Bhandari. We had Tofiq Khan who played you know Cyrus Mirza in the feature film in this feature presentation. Then accordingly these are the main two characters, otherwise there was like small other characters, but this is the primary cast. See, as a director, as a director, kitna mushkil hota hai jab koi aisa scene shoot karna hota hai, aur jo abhi hum poster mein dekh pa rahe hain, correct, to isko shoot karte time kitne pay lene padte hai, kitna mushkil hota hai ek artist ke liye aur ek director ke liye? See, basically I believe in that it is not that we are not here to serve vulgarity, we are not here to serve you know soft porn, which I would say a lot of platforms are doing it. I chose those kind of scenes which were very relevant to the subject. So meri story ki demand ke hisab se jo scene jitna relevant tha wo maine definitely usme liya hai, but that is when you will watch the film you will understand it is actually as per the demand of the story, and it is not that you can say that vulgar or you know overbold or overexposed. इट वॉज़ वेरी रेलिवेंट एज पर द सोसाइटी. हाँ, मतलब अगर टेक्स तो लेने पड़ते हैं, जितना मतलब स्टोरी की डिमांड हो, अगर परफेक्ट नहीं आए तो टेक्स भी लेने पड़ते हैं. अदरवाइज अगर आपने आर्टिस्ट अच्छे लिए हैं, आपकी स्टोरी को आर्टिस्ट समझ पा रहा है, डिमांड को समझ पा रहा है, आप उसको सही तरीके से गाइड कर पा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट आई वुड से टू टेक दोज काइंड ऑफ सीन्स. या मेरा नाम समीर द्रोलिया है. मेरा मतलब म्यूज़िक से शौक है. एज अ प्रोफेशन मैं डीजे भी हूँ, मेरा खुद का एकेडमी भी है, हाईटेक डीजे एकेडमी. शिव इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, सो वंस ओवर अ कॉफ़ी शिव एंड नाजिया पिच मी द स्टोरी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो आई फेल्ट लाइक के लेट्स डू इट टुगेदर करके. ये किसी और को जाके पिच करने से अच्छा है क्यों ना हम खुद ही इसको करते हैं करके. सो देयर वी यू नो वी सेट टुगेदर एंड देन आई सेड ओके आई एम डूइंग इट करके. सो कर रहा हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मैं आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, पर कुछ प्लेटफॉर्म्स पे हमारे सब्जेक्ट जो है कॉन्टेंट फैक्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अप्रूव्ड भी हैं, कुछों के तो एग्रीमेंट भी हो गए हैं, एंड वी आर इन द प्री प्रोडक्शन स्टेज. आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट, बट या दे आर वेरी मैसिव एंड दे आर वेरी बिग. अपार्ट फ्रॉम दैट, समीर के साथ जब मैंने कलेबरेट किया था तो बहुत सारी स्टोरीज हमने वर्कआउट की थी. ये एक पहला वेंचर था जो समीर ने हमें सपोर्ट किया, कॉन्टेंट फैक्ट्री को सपोर्ट किया, जो हमने स्टार्ट किया. इसके अलावा हम लोग एक प्रोजेक्ट की प्री प्रोडक्शन में है, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर बिगर प्लेटफॉर्म. सो लाइक आई वुड से इरोज वी आर इन टॉक्स विद, राइट, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स, ऑल्ट वी आर इन टॉक्स विद. क्या उसमें भी समीर जी एज अ को प्रोड्यूसर आएंगे? जी डेफिनेटली, लाइक ही इज अ फ्रेंड, यू नो ही इज़ अ डियर फ्रेंड. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो ही हैज़ दैट काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी, हु अंडरस्टैंड, अगर वो कॉन्टेंट इनको रेलिवेंट लगता है तो वो डेफिनेटली ही वुड सपोर्ट अस. जैसे मैंने बताया कि स्टोरी एक चीज़ है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया. मेन एज अ लेमैन अगर मैं कहूँ कि हम पहले एक स्टोरी सुनते हैं और फिर उसमें अगर हमको अच्छा लगे कि ये हाँ ये अगर कुछ बन जाता है तो ये लोगों को पसंद आएगी, तो वो चीज़ एज अ लेमैन मुझे पसंद आया और ये हुआ कि येस वी कैन आई कैन मेक इट वेयर द ऑडियंस विल लव इट. Why did you particularly go for this? Because if you have your content, which is, you know, as good for the Ullu app. Yes.
something about that thing, you know, like, so you know, I, wo jo image hai wo look hai. I would say that honestly speaking, ये इमेज ऐसा लोगों ने थोड़ा बनाया था, बट इफ़ यू टॉक अबाउट करंट कॉन्टेंट, उल्लू इज आई वुड से दैट इज स्लोली बिकमिंग ए मार्केट लीडर. सो दे आर लाइक यू नो, आई वुड नॉट कंपेयर इट विद जायंट्स कॉल्ड अमेजोन और नेटफ्लिक्स, बट उल्लू हैज देयर ओन इमेज. आई अंडरस्टैंड प्रीवियसली दे हैव डन सम वर्क विच वॉज ऑल्सो यू नो विच वॉज गुड, बट येस दे हैड डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ इमेज कि उल्लू का कुछ आ रहा है तो लोगों को लगता है नहीं बोल्ड होगा. ऐसा नहीं है, वो लोग कंटेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अभी उनकी अपकमिंग आप अगर सीरीज़ देखोगे, बहुत सारी सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ आ रही हैं. पेशावर उनमें से एक है, वुड पैकर है, बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ है. और यू नो इट वाज ए लवली कलेबरेशन विद उल्लू, एंड आई वुड से दैट कि अगर आगे भी मुझे उनके साथ काम करना होगा मैं डेफिनेटली काम करूँगा. और अच्छे सब्जेक्ट मैं उनके पास लेके जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वैसा ही सब्जेक्ट मांगते हैं जिसमें बोल्डनेस हो. बहुत सारे सेंसिबल सब्जेक्ट्स के साथ वो डील कर रहे हैं, एंड आई वुड से यू नो थैंक यू टू विभू जी जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया. जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कई नहीं भी हैं, क्योंकि सी आई वुड से दैट हम जैसे जो नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मेन चैलेंज ये रहता है कि जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म के पास एकदम जाते हो अपना प्रोजेक्ट लेके, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, दे जनरली से ओके नो नो व्हाट यू हैव डन. आपने कितना भी, मैंने काफ़ी काम किया इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम फेस की वो ये की कि जब मैं पिच करने जाता हूँ तो वो कंटेंट के बजाय इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि आपने पहले कितना बड़ा काम किया है. बट आई वुड रिस्पेक्ट दैट कि उल्लू ने हमारे कंटेंट को ख़रीदा, उसको प्रेजेंट किया, अच्छे से प्रेजेंट किया. आगे भी मतलब अगर अच्छा कंटेंट मैं लेके जाऊँगा, आई वुड से दे विल डेफिनेटली टेक इट, एंड इट इज़ जस्ट अ स्टोरी. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़.